कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में गाइस तुम्हारा भाई कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग लेके आया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड गाइस आप भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग इजीली कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना यार, विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो जाके अभी अभी करो यार, जाके डाउनलोड, ठीक है। देन आपको ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर लेना है गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपली स्क्रॉल करके आना है ड्रॉ टूल पे, ठीक है। ड्रॉ टूल पे आने के बाद गाइस यहाँ पे ड्रॉ टूल हमने ओपन कर लिया गाइस, ठीक है। एंड आपको अब ऐड फोटो पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको ये वाला एक डब्बा का पिन ऐड करना है, ठीक है। ये डस्टबिन है, ठीक है। देन इसको ऐड कर लेना है गाइस। एंड अपने बैकग्राउंड पे यहाँ पे आपको ऐसे इसको सेट कर देना है गाइस, ठीक है। कुछ इस टाइप से परफेक्ट है, ठीक है। एंड कुछ बढ़िया है यार, बढ़िया है गाइस, इतना परफेक्ट है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है, लेयर पे। एंड एक एम्प्टी लेयर खाली बना लेना है, ठीक है। एंड इसको नीचे रख देना है डस्टबिन के, ठीक है। देन यहाँ पे जाएंगे कलर्स पे एंड हल्का से इसकी साइज को बढ़ा लेंगे, ऑपसिटी को हल्का डाउन एंड हार्डनेस को भी 30 कर लेंगे, ठीक है। एंड सेट पे क्लिक करेंगे गाइस एंड इस टाइप से ऐसे शैडो क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम अपने डस्टबिन पीएनजी के नीचे, ठीक है, ताकि अब ऐसा लुक आए गाइस कि यहाँ पे बिल्कुल ये प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब अलेबल है, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसा भी लुक देना है। एंड एक और गाइस यहाँ पे टैप करेंगे एंड हल्का से यहाँ पे एक गाइस कुछ इस टाइप से हम शैडो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, अपने डस्टबिन के ऊपर, ताकि गाइस एक और भी रियलिस्टिक लुक आए, ठीक है। तो सिटी को हम चेंज कर लेते हैं एंड इस टाइप से कुछ हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो परफेक्ट है, यहाँ पे मैसेज भी आया है, रिचार्ज ख़त्म होने वाला है गाइस, क्या ही बोलो, एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है। देन उसके बाद गाइस क्या करना है, परफेक्ट सेट होगा, ठीक है। एंड अब एम्प्टी लेयर एक और क्रिएट करना है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एंड वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे एंड गाइस हम हल्का सा यहाँ पे साइज को इसको डाउन करते हैं एंड ओपेसिटी को हम 30 करते हैं, ठीक है। एंड साइज को फुल्ली रख देना है गाइस, ठीक है, परफेक्ट इतना आई थिंक, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे क्रिएट कर लेना है, ठीक है, गोला टाइप से ऐसे सर्कल क्रिएट कर लेना है, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे गाइस इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर लेता हूँ, ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे ओपेसिटी पे जाके हम इसको 70 करते हैं, परफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो इसको डन कर लेंगे, देन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गजब का सेट हो चुका है हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद ऐड फोटो पे जाएंगे गाइस, ठीक है। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको ये वाला पेन जी ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड इसको अपने यहाँ पे जो व्हाइट वाला सर्कल हमने क्रिएट किया था जस्ट यहीं पे इसको हम इसको सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स पे जाने के बाद कलर्स पे जाके यहाँ पे हम नेगेटिव वाला दिख रहा है आपको, इसको टैप कर लेना, ठीक है। तो ये वाइट कलर हो जाएगा गाइस, एकदम परफेक्ट, देख सकते हो क्या ही गजब का लुक आ गया गाइस, ठीक है। सो हमारा ये लग रहा है अब डस्टबिन, ठीक है गाइस। देन ऐड फोटो पे अगेन जाएंगे एंड ये वाला पीएनजी ऐड करेंगे, ठीक है, अपने मॉडल का जो कि गाइस मेरा ये, ठीक है। एंड क्या करना है गाइस आपको, इसको ऐसे जूम कर लेना है एंड इसका बैकग्राउंड पहले रिमूव कर लेना आपको, ठीक है। नहीं पता कैसे रिमूव करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे रोटेट करके हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है। ऐसा लुक देना है गाइस कि हम बिल्कुल डस्टबिन को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लुक दे देना है गाइस, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। एंड यहाँ पे रेज कर देंगे गाइस, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पार्ट बच गया था आई थिंक, रिमूव करते समय बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इसको परफेक्ट ऐसे सेट कर लेते हैं गाइस, तो इतना परफेक्ट है गाइस, जैसे कि बिफोर आफ्टर काफ़ी गजब का यहाँ पे सेट हो चुका है यार, माशाल्लाह गाइस। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ये दोनों पीएनजी ऐड कर लेना है गाइस, ठीक है। एंड फर्स्ट पीएनजी को ऐसे हम इधर सेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लेंड पे जाके इसको स्क्रीन कर देंगे गाइस, ठीक है, तो सारा ब्लैक एरिया गायब हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर देंगे, परफेक्ट लग रहा है गाइस, देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस इसको हम ऐसे क्रॉप कर लेंगे, पहले इधर वाले हम यहाँ पे दो सिर्फ माइकन रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं गाइस, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। देखो ऐसा लुक आ रहा है जैसे डस्टबिन बिल्कुल ही निकल रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। सो आपको भी ऐसा लुक दे देना है यार, तभी एक मज़ा आ जाएगा फ़ोटो में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या ही मज़ा आ गई। एंड उसके बाद ये वाली पीएनजी ऐड कर लेना है गाइस, इसको हम ऐसे बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड ऐसे रोटेट कर देता हूँ गाइस, ठीक है, परफेक्ट। देन यहाँ पे जाएंगे ब्लेंड पे स्क्रीन कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमें रेड इफेक्ट चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे बैक साइड में ऐसे इसको सेट करते हैं इधर, परफेक्ट है। एंड इसको डन कर लेंगे गाइस।
डन कर लेंगे यार। एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एडजस्ट पे जाके हम ब्राइटनेस को फुल माइनस एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। एंड कलर्स पे जाके हल्का सा ऑपसिटी हार्डनेस को डाउन करके एंड यहाँ से कुछ ऐसे ब्लैक इफेक्ट दे देंगे, ठीक है, पैर के आसपास, ठीक है, ताकि गाइस एक शैडो हंस लुक आए तो बहुत ही गजब का लुक बनेगा यार। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है यार। और क्या ही बोलूँ गाइस, देखो क्या ही लुक आ रहा है गाइस, गजब का।